दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्वास्थ्य एवं वास्तु टिप्स को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पा सके हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं वाटर थेरेपी के बारे में। वाटर थेरेपी यानी कि पानी की थेरेपी। आधुनिक जीवन में इंसान का शरीर बहुत सारी परेशानियों से प्रभावित है, जैसे कि सर दर्द, उच्च रक्तचाप, खून की कमी, मोटापा, बेहोशी, दमा, खांसी, लीवर की कमजोरी, पेशाब की बीमारियां, गैस की प्रॉब्लम, कब्ज की बीमारी या आँख की बीमारी। इसके अलावा मानसिक रोग और शरीर की कई अन्य बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इन बीमारियों को दूर करने के लिए आज हम आपको बहुत ही आसान वाटर थेरेपी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों पानी के द्वारा रोगों को दूर करने की यह बहुत ही उत्तम विधि है, तो आइए हम बताते हैं कि आपको किस तरह से इस विधि का प्रयोग करना है। दोस्तों सुबह उठकर बिस्तर पर बैठना है और 4 बड़े गिलास पानी भरकर लगभग 1 लीटर पानी एक ही समय में एक साथ पी लें। याद रहे कि पानी पीने से पहले आप ब्रश ना करें, ना ही मुंह को धोएं और शौच भी ना करें। पानी पीने के 1.5 घंटे बाद आप ब्रश कर सकते हैं, मुंह धोना या शौच भी कर सकते हैं और बाकी जो करना है आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति बीमार है या कमजोर शरीर का है या जो एक साथ 4 गिलास पानी नहीं पी सकता, तो उसे शुरुआत में 1 या 2 गिलास पानी ही पीना चाहिए और फिर धीरे धीरे करके 4 गिलास तक बढ़ना चाहिए। साथ ही भोजन करने के बाद 2 घंटे तक पानी ना पिए तो अति उत्तम रहेगा। 4 गिलास पानी पीने की विधि स्वास्थ्य और बीमार सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। यह साबित किया जा चुका है कि कई बीमारियां इस प्रयोग से कम समय में दूर हो जाती हैं, जैसे कि मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी लगभग 1 महीने में ठीक हो जाती है। उसी प्रकार हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप की बीमारी भी 1 ही महीने में ठीक हो जाती है। गैस की बीमारी भी लगभग 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आप कल से ही इस वाटर थेरेपी का उपयोग शुरू कर दें और इससे होने वाले सभी फायदों का लाभ उठाएं और स्वस्थ बने रहें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो पे कमेंट करके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।